हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हरा भरा पनीर बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें सामग्री की ज़रूरत है, हरा चना, कटोरी शिमला मिर्च, एक कटोरी, देखिए इस तरीके से इसे काट लें, प्याज एक कटोरी क्योंकि ये ग्रेवी वाली है, टमाटर, पनीर, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और जीरे का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पेस्ट, तड़के के लिए पाँचफोरन, इसमें जीरा, सौंफ, सरसों, मेथी, जीरा रहता है, अजवाइन भी रहता है उसमें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, इन सबको मिलाकर हम एक ग्रेवी वाली हरी भरी पनीर बनाएंगे। इसमें हम पनीर को तलेंगे नहीं, डायरेक्ट इसे डालेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पनीर सारे डिशेज में तला ही जाए, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने होममेड पनीर बनाई है, देखिए होममेड है। अब मैं आपको इसे बनाना बताने जा रही हूँ। मैंने ओवन को ऑन कर दिया है, अब हमारा कुकर गर्म हो चुका है। इसमें प्रेशर कुकर में या आप कढ़ाई में चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हमारा बर्तन गर्म हो चुका है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें मैं तड़का लगाऊंगी जीरे का और पचफोरन का, और उसके बाद प्याज भूनूंगी। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, देखिए तड़के का कड़कड़ाहट आ रहा है। थोड़ा सा जीरा का भी मैं डालूंगी। अब हो गया इसमें, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हल्का ही ब्राउन होगा, तब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा साल्ट ऐड करूंगी, जिससे कि ये मुलायम जल्द हो जाएगा। अब आटे के साथ साग में ऐड करूंगी और फिर मिला लूंगी। देखिए हमारा प्याज अब थोड़ा सा भून चुका है, इसमें मैं शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च इसमें मैं ऐड कर दूंगी, जैसे कि ये भी भून जाए। मैं इसी तरह से चलाकर छोड़ देंगी और जब ये हल्का हल्का सुनने लगेगा, ब्राउन होने लगेगा, तब हम इसमें स्पाइसेस मिलाएंगे। तब हमारा प्याज भून चुका है, अब इसमें मैं पेस्ट डालूंगी, काली मिर्च, जीरे, अदरक, लहसुन का। इसमें एक स्पून और थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा है, लहसुन मैंने हरा चना है उसके टाइम ज़्यादा डाला है। अब इसमें मैं चला दूँगी और मिलाकर थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे, उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे सूखे हुए। अब देखिए वो मसाला भी हल्का थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें मैं बाकी के स्पाइसेस, हल्दी हाफ स्पून, धनिया पाउडर हाफ, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग करेंगे, मैं यहाँ पर फुल स्पून दे रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तीखा खा रही हूँ, और थोड़ा सा और आप अपने अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हैं और इसे थोड़ा देर भूनेंगे।
देखिए हमारा मसाला भी भून चुका है। इसमें हम हरा भरा अपना चना डालेंगे और थोड़ी भी भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन न रहे, और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। भुन चुका है, इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसे मिलाकर इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ आवश्यकता अनुसार ताकि ये पक जाए, और इसमें दो सीटी हम सीटियाँ लगाएंगे और फिर उसके बाद पनीर डालकर 4-5 मिनट पकाएंगे। बंद करने से पहले इसमें हम गरम मसाला का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे और इसे फिर क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर को ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट ही इसे ढककर पकाएंगे। ऐसे ही ढक के पकाने के बाद इसे ऐसे ही ढककर हम इसे पकाएंगे 4-5 मिनट, और उसके बाद हमारा हरा भरा पनीर तैयार हो जाएगा। अब हमारा हरा भरा पनीर तैयार हो चुका है। देखिए अब मैं इसे सर्व करूंगी। मैंने यहाँ ऑलरेडी प्लेटिंग लगा दी है। देखिए यहाँ मैं तैयार हो चुका है। इसे मैं अदरक के गुच्छों से सर्व करूंगी और ग्रीन चिली चिल्ली से डेकोरेट मैंने कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। देखिए जैसे कि रेस्टोरेंट में और शादी ब्याह में जो पनीर बनता है वैसा लग रहा है। इसकी मैंने प्लेटिंग कर ले रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घर पे ट्राई करें बनाकर, और लिखिए कैसा बना है, और कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस पर लिखें।